द्वारा वचन तक पहुंचता है, उस वचन को ध्यान से सुनना। मैं चंगा नहीं करूंगा, मैं किसी को ठीक नहीं करूंगा, पर ये वचन आपको चंगा करेगा, ये आपको ठीक करेगा। हालेलुया। पर मैंने देखा कुछ लोग इसे सुनते हैं और थोड़ी देर के बाद वो भूल जाते हैं, और ये एक बहुत ही दुख की बात है। जिस वचन से आपको छुटकारा मिलने वाला है, जिस वचन से आप आजाद होने वाले हैं, और इसी को शैतान चुरा लेता है। और मैं आज बताऊंगा कि कैसे वो शैतान शत्रु आपके पास आता है, कैसे वो आपके जीवन में जो है खलबली मचाता है, कैसे वो आपके जीवन को परमेश्वर से अलग करता है, कैसे आपके जीवन में बीमारियां एंटर होती हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में खलबली मचाती हैं, मैं बताऊंगा। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पहली बार आए वो हाथ खड़ा करें, जोर से ताली बजाएं, उनका स्वागत करें। आज आपके लिए एक परमेश्वर की योजना है, इसीलिए आज परमेश्वर आपको लेकर के आया है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं एक वचन को मैं और आप इसे सुनेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसी खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपनी आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब परमेश्वर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये वचन परमेश्वर का आपको चंगा करेगा। आज अगर ये वचन आपके अंदर आ चुका है, आपके दिमाग में ये आ चुका है, तो ये वचन आपको चंगा करेगा, आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा। पर इस वचन को मानने के लिए आपको अपना दिल भी खोलना है, समझना भी है। ये वचन किसी और के लिए नहीं है, ये जो बैठे हुए और जो सुन रहे हैं, जो लाइव है हमारे साथ, जो वचन को मानते हैं उनके लिए वचन है। जो वचन का समझ है, जो वचन को जानते हैं, जो खासकर काफी लंबे समय से प्रभु के साथ एक उनका गहरा रिश्ता है, ऐसे लोगों को भी आज इस वचन को समझना है। ये वचन आपको सिर्फ चंगा ही नहीं करेगा, ये वचन सिर्फ आपको छुटकारा ही नहीं देगा बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, पर आपको ये वचन अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा जो तुम लोगों ने मन में सोच लिया वो तुम लोगों ने कर दिया। यीशु मसीह के बारे में उदाहरण दिया गया इस वचन में कि जब वो इस दुनिया में आया तो उसने हम सभी के पापों को उठा लिया और हमें वो एक नमूना दिखा गया जैसे मैंने पाप के लिए अपना जीवन पूरी रीति से उस पाप को खत्म करने के लिए दे दिया, उसके साथ फाइट किया, लड़ाई किया। वैसे ही तुम भी उस पाप के साथ समझौता नहीं पर उस पाप के साथ क्या करो, लड़ो। हालेलुया। आज जो लोग आज बीमारी में हैं या बंधन में हैं या जो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं उनकी संघर्ष की वजह जो मैं आज आपको बताऊंगा तो हैरान हो जाएंगे क्या सच में ऐसा है, पर ऐसा ही है। वसन कहता है जब यीशु मसीह दुनिया में आया उसने संसार के विरोध में गवाही दिया। उसने कहा संसार के काम बुरे हैं, संसार जो है वो, कहा यीशु मसीह ने, वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी संसार के नहीं। और आज याद रखो कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं और संसार के पीछे भी, ये हो नहीं सकता। तलवार का जो मियान होता है, सोच लो अगर एक तलवार को डालने के लिए वो मियान बनाया जाता है तो उसमें दो तलवारें नहीं डाल सकते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? इसी तरह से अगर आप संसार में अगर दोनों काम करना चाहते हैं, प्रभु को भी खुश करना चाहते हैं और संसार को भी, तो ये संभव नहीं होगा। इसीलिए आज कई लोग निराश हैं, इसीलिए आज वो समस्या में, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हुए भी कई लोग जो है पाप का जीवन जीते हैं। पाप कहां पाया जाता है? संसार में। किश्ती कहां चलती है भाइयों बहनों? पानी में चलती हैं। अगर उस किश्ती में थोड़ा सा छेद हो जाए तो क्या होगा? जिस पानी में वो किश्ती चलती है उसी पानी में वो किश्ती डूब भी जाएगी। इसी तरह से आपको परमेश्वर चाहता आप संसार में जिए, पर अगर संसार की बातें आप में और मुझ में अगर आ गई तो ये संसार में हम सब जो है डूब जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा आप कहां गए। इसीलिए याद रखो आज ये वचन जो है आपको अपने अंदर लेना है। ये वचन आपको जिलाएगा, आपको नया बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग सिर्फ वचन को सुनते हैं और उसको मानते नहीं, उस पर नहीं चलते हैं, उनके लिए मैं आज ये कहना चाहता हूं, आप अपने आप को धोखा देते हो। आप किसी व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर को भी धोखा नहीं देते हैं, आप खुद को धोखा देते हैं। और याद रखिए शैतान हमेशा एक बात कहता है, तुझे छुटकारे की जरूरत है, तुझे चर्च में जाना चाहिए, ठीक है, तुझे छुटकारा मिल जाए, बस इतना ही काफी है। और शैतान की एक प्लानिंग रहती है कि आप सिर्फ आओ और छुटकारा पाओ और घर में चले जाओ और उसके बाद तो काम आप पहले कर रहे थे वही करते चले जाओ, क्योंकि उसको मालूम है इसका छुटकारा हो जाएगा इस व्यक्ति का, पर ये इसका अगर जीवन बदल गया तो ये मेरे हाथ से छूट गया। और याद रखिए कि चर्च में जब कोई आदमी आता है उसका सिर्फ छुटकारा नहीं होता है पर उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब चर्च में गया मेरा सिर्फ छुटकारा नहीं हुआ दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, पर मेरा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं पर क्या बदलने आया, जीवन बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अगर नशे से आजाद हो गया तो क्या फिर उसे फिर नशा करना चाहिए? क्या बता सकते हैं क्या उसे फिर नशा करना चाहिए?
अगर किसी व्यक्ति ने व्यभिचार छोड़ दिया है तो क्या उसे फिर व्यभिचार का जीवन जीना चाहिए? क्या किसी ने झूठ बोलना छोड़ दिया है और कुछ समय के बाद फिर से झूठ बोलना चाहिए? क्या चर्च में जब आप आते हैं, क्या जब आपको परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, और ये प्रभु की आवाज है और आप इसको सुनते हो, और जब घर जाते हो तो आप इसके बारे में परवाह नहीं करते हो, क्या ये इस बात सही है? ये गलत है। अगर आपने सुना जैसा प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो ऐसा उसने कहा, तो आपका काम क्या बनता है? घर में जाके पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। मैंने कुछ लोगों को ऐसा सुना कि मैं जब घर गया तो फिर से मेरी समस्या फिर से बढ़ गई। मैंने एक दिन प्रार्थना किया और मैंने पूछा परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा क्या है कि कुछ लोग जो है चंगे होने के बाद फिर से वैसे ही हो जाते हैं, क्या कारण है इसका? प्रभु ने कहा कि कुछ लोग मेरे जीवन को तो चाहते हैं, मेरा जीवन उनमें एंटर हो जाए, मेरी भलाई उनमें चले जाए, पर वो संसार के राजा शैतान को भी अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहते हैं। और ये ही कारण है कि लोग जो है फिर से समस्या में चले जाते हैं। और इसीलिए प्रभु ने पिछले दिनों मुझे कहा कि मेरे लोगों को बता दें, अगर आप हमेशा आनंदित रहना चाहते हैं, हमेशा शांति में जीना चाहते हैं, हमेशा खुशी जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे कामों से मन फिराओ जो आपके लाभ के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा कुछ लोग छोड़ देते हैं और बीड़ियां भी पीते रहते हैं, कुछ लोग बीड़ी छोड़ देते हैं खैनी खाते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं है ना आकर के चर्च में बहुत दान देते हैं, दशमांश देते हैं, पर क्या करते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा है ना धोखा दे करके कुछ लोगों को लूटते रहते हैं इधर की बातों से इधर की। अरे आप याद रखो परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं, आप संसारिक काम भी करें और प्रभु की इच्छा से भी जीना चाहें। वचन कहता है जब एलिय्याह एक पहाड़ पर एक वेदी बना रहा था, एक पूरी रीति से परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार हो चुका था, तो उसने प्रभु के लोगों को कहा, हे इजरायली लोगों आज सुन लो, अगर मेरा परमेश्वर जीवित है तो उसकी होर हो जाओ, अगर आपको लगता है वो कुछ नहीं है तो फिर आप जो चाहते वो कर लो, पर कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? अगर परमेश्वर हमारा जीवित है तो उसकी तरफ हो जाओ, अगर वो परमेश्वर नहीं है तो जो चाहते वो करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको चर्च में इसीलिए नहीं आना है कि आपको चंगाई पाना है, चंगाई पाने के बाद आपको क्या करना है इसके लिए सोचना होगा आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए अगर परमेश्वर के पास आपके पास लिए एक योजना है, बहुत बड़ी योजना है, तो आपको यह समझना होगा प्रभु के लोगों उस योजना को कैसे पूरा किया जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपको दुख देना चाहता है, पर वचन कहता है अगर प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए अगर आपने दुख उठाया तो आप क्या है, आप धन्य है, पर अगर आपने पाप करते हुए गलत काम करते हुए सताव में चले गए तो अगर दुख उठाया तो फिर समझ लो वो महिमा नहीं है, फिर तो कुछ तो है ना देखा जाएगा, फिर आएगी बुराई, फिर आएगी नफरत, फिर आएगी जलन, फिर आएगा गुस्सा, फिर आएगी बीमारी, फिर आएगी दुष्ट आत्मा, आएगा वचन कौन सा? यीशु मसीह ने कहा चोर और किसी काम के लिए नहीं आया, क्या करने आया? चोरी करने, घात करने और क्या करने के लिए आया? नाश करने के लिए। ये काम फिर कौन करता है? फिर शैतान करता है, और शैतान को मालूम है कि आप चर्च में आओ है ना चंगाई भी पाओ, पर जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है उसकी मर्जी से ना चलो, ये शैतान चाहता है। अगर आप परमेश्वर की मर्जी से चलना शुरू हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं आज लिख के, आपके पास बीमारी नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूं,
आपके पाप हैं, है ना, फिर बेकार की बातें नहीं आएंगी। मालूम बेकार की बातें कौन करता है? फालतू बातें किसको करनी आती हैं? किस जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा ही कहते हैं ना। और मालूम है आज भी जो परमेश्वर से जो कोसों दूर है ना, वो ही किसी की बुराई में लगे हुए हैं, किसी को नीचा करने में लगे हुए हैं, और किसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलने में लगे हुए हैं कि जो सुन सकते हैं। पर याद रखो, जो परमेश्वर के लोग हैं, ना तो वो बुराई करते हैं, ना तो वो सुनते हैं, ना तो वो खुद झूठ बोलते हैं, ना तो वो किसी का झूठ सहन कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये वचन को अगर आपने अंदर ले लिया तो कोई शैतान आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्रताई जो है कई लोगों के जीवन से गायब हो गई है, और पवित्रताई अगर नहीं है तो समझ लेना कि एक आपके लिए एक गलत प्रकार की एक न्यूज आ रही है शैतान की ओर से कि अब तुम्हें कोई मेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकेगा। और अगर आपने फैसला कर लिया है कि मैं बुराई का पीछा नहीं, मैं भलाई का पीछा करूंगा, तो एक आज सूचना आ चुकी है परमेश्वर की ओर से कि तुझे कोई नीचे नहीं कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपने एक निर्णय लिया कि मैं भलाई के लिए जीवित हूं, मैं अच्छे काम करने के लिए जीवित हूं, मैं सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं विश्वास से जीने के लिए तैयार हूं और प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हूं, तो आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं। सुन लो ध्यान से और ध्यान लगाकर इस भविष्यवाणी को ग्रहण कर लो, आप जियोगे, आपके बच्चे जियेंगे, हालेलुया, आपके घराने के लोग बढ़ेंगे, हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा से चले तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बीच में तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तुम लोगों ने मेरी मर्जी को फॉलो किया तो जो तुम लोगों से क्रोधित हैं उनके सामने मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। हालेलुया। अगर आप लोगों ने परमेश्वर को फॉलो किया, उसके वचन को माना, यह वचन आपको जीवन देगा और यह वचन आपको मदद करेगा ऊंचा होने के लिए। इसीलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें पूंछ नहीं पर मैं तुम्हें सर ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। के पहले शत्रु ने एक काम किया, आपको डराया, आपको निराश किया, बीमारी को लाया, नशे को लाया, नफरत को लाया, बेकार की बातों को लाया, पर आज प्रभु कहता है मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाएगा उसमें जीवन एंटर हो जाएगा। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए जोर से बोलो हालेलुया, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह आज आपको आवाज दे रहा है, ओ आपको नाम लेकर बुला रहा है। अगर आप संसार में खो चुके हैं, आज मौका है मेरे भाई, मेरी बहन, आज मौका है, यीशु के पास आ जा, यीशु के पास आ जा, प्रभु तुझे ऊंचा करेगा। जो तुझसे क्रोधित है उनके बीच में वो प्रभु आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर को आप और मैं मानते हैं वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसकी इच्छा को पूरा करोगे तो वो आपके लिए वो आपका बल ठहरेगा, वो आपके आगे चलेगा, वो भस्म करने वाली आग है, वो शत्रु को जला देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान का आखिरी दिन है, जो आपको सताने आया था, जो आपको नाश करने के लिए आया है, पर यीशु कहता है अगर तुम मेरे वचन को मानोगे आज से उसकी सामर्थ टूटने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी आज के बाद आपको छू नहीं सकेगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकेगा, अगर आप महिमा के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को ग्रहण करो और रिसीव कर लो, ये आपको जीवन देंगे।
जीवित परमेश्वर आपको कहता है मेरी सुनो, तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों में आ जाओ और आवाज खोलकर प्रार्थना करो। सभी घुटनों में आ जाओ, और जो घुटनों में नहीं आ सकते हैं वो अपने हाथों को उठाओ, और जो खासकर बीमार दशा में हैं